turbines. Let's start this definition with a haiku poem. Devices that spin, turbines generate power. It is electric. Yes, turbines spin. They rotate around and around. You've surely seen wind turbines. Wind farms are cropping up more and more around the world. It's like turbines turbocharge the mechanical energy from the spinning rotors to create electric energy. You know, electricity. That's right, the energy from the wind powers the turbines to generate electricity. But a wind turbine is only one kind of turbine. The most common type of turbine for generating electricity is one powered by steam. Steam turbines look different, but the concept is the same. It's just that instead of energy from the wind, it's thermal energy from the steam that makes the rotors in the large turbines spin to produce electricity. But where does the steam come from? Burning separate energy sources, such as natural gas, biomass, or coal, heats up the water to create the steam. So what starts as chemical energy in burning coal becomes thermal energy in steam that then becomes electric energy. Thanks to turbines, the power behind the power in your home. So powerful, they even inspire haikus. Go. Good morning, student. हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेशंस का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. सिलेबस ओवरव्यू हमारा हो चुका है, क्या क्या पढ़ना है. तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशंस के यूनिट फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ इनर्जी से. अब आता है कि सोर्स ऑफ इनर्जी है क्या, ठीक है, और इसका यूटिलाइजेशन हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशंस में क्यों करते हैं और कैसे करते हैं. क्लियर है? तो सोर्स ऑफ इनर्जी पढ़ने के पीछे हमारा रीजन यह है कि हमारा जो टर्बाइन है, टर्बाइन अल्टरनेटर कॉम्बिनेशन, टर्बाइन मतलब एक घिरनी का एडवांस रूप, ठीक है. तो यह जो टर्बाइन अल्टरनेटर कॉम्बिनेशन है, तब टर्बाइन को इनर्जी कहां से मिलेगा? टर्बाइन को इनर्जी कहां से मिलेगा? स्टीम से. स्टीम, अब स्टीम हमारे नेचर में तो है नहीं, उसको हम लोग वाटर को बॉयल कर स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. तो स्टीम को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए, और वाटर के साथ वाटर को एक इनर्जी देना पड़ेगा जिससे कि यह अपना लिक्विड फॉर्म में छोड़कर वेपर फॉर्म में बदले, और यही वेपर को कहां स्ट्राइक कराएंगे? टर्बाइन पे. तो टर्बाइन हमारा क्या होगा? रोटेट करेगा, एंड देन आफ्टर अल्टरनेटर इज रोटेट एंड आउटपुट पे, यह हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल पावर. क्लियर है? आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल पावर. तो जैसे कि वाटर को स्टीम में बदलने के लिए वाटर को इनर्जी सोर्स देना पड़ेगा, वह इनर्जी सोर्स के बारे में हमें जानना है कि वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्स क्या होता है जिससे हम वाटर को बल्क अमाउंट में स्टीम में बदले, एंड देन इस स्टीम की मदद से हम क्या करें? टर्बाइन और अल्टरनेटर को रोटेट कराएं. क्लियर है? इसलिए हमें इनर्जी सोर्स के बारे में जानना जरूरी है कि कौन कौन से इनर्जी सोर्स का यूज कर हम इलेक्ट्रिकल पावर को जेनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन अल्टरनेटर कॉम्बिनेशन. क्लियर है फंडा? अब है कि हमारे पास, ठीक है, इनर्जी सोर्सेस कितने तरह से हैं. तो इनर्जी सोर्सेस में पहला अगर हम लोग काम करें तो सन, सनलाइट, सनलाइट का यूटिलाइज कर भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. क्लियर है? उसके बाद क्या है बाबू? विंड. विंड टर्बाइन, दैट मींस कि विंड पवन चक्की के द्वारा हम लोग विंड के काइनेटिक एनर्जी का यूज कर विंड के वेलोसिटी का यूज कर पवन चक्की को चलाते हैं, एंड देन टर्बाइन एंड देन अल्टरनेटर, और उसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. क्लियर फंडा? अब क्या है? वाटर. तो यहां पर जो वाटर है, यह वाटर रिलेट्स करेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. मतलब कि वाटर इज आल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी जिसकी सहायता से हम लोग टर्बाइन को रोटेट कराकर इलेक्ट्रिसिटी, टर्बाइन को रोटेट कराकर अल्टरनेटर को रोटेट कराएंगे, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड करेंगे. उसके बाद हमारा फ्यूल्स आता है. फ्यूल्स, तो फ्यूल्स हमारे घर में अवेलेबल है, ठीक है, जैसे कि सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स और गैसियस फ्यूल्स. फ्यूल्स कितने तरह का हमारा काउंट होगा?
या तो हमारे घर में सॉलिड फ्यूल्स होगा, या हमारे घर में लिक्विड फ्यूल्स होगा, या हमारे घर में गैसियस फ्यूल्स होगा, जिसका कि अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग सॉलिड यूज करते हैं, लिक्विड यूज करते हैं और गैसेस यूज करते हैं। क्लियर है? अब यह सारे फ्यूल्स का यूज कर भी हम लोग क्या करेंगे, वाटर को गर्म करेंगे, और वाटर गर्म होगा तो हमारा किसमें कन्वर्ट होगा, स्टीम में, एंड देन स्टीम को कहां भेजेंगे, टरबाइन पे, तो टरबाइन उस स्टीम के प्रेशर और टेम्परेचर के कारण क्या होगा, रोटेट करने लगेगा, मेनली प्रेशर या वेलोसिटी कह सकते हो, और देन हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटर को रोटेट कराकर आउटपुट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो यह तीनों में से कोई भी, या तीनों, जैसे कि सॉलिड फ्यूल्स में हम लोग ज्यादा क्या यूज करते हैं, कोल, लिक्विड फ्यूल्स में ज्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, डीजल, और गैसेस फ्यूल्स में हम लोग एलपीजी का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है न्यूक्लियर। तो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कभी प्रीवियस क्लासेस में साइंस में पढ़े होंगे, ठीक है? तो न्यूक्लियर एनर्जी रेडियो एक्टिव मटेरियल के रिएक्शंस के द्वारा उसके नाभिक पे को तोड़कर हम लोग जो एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी का यूज क्या करेंगे, वाटर को गर्म करने में, और वाटर गर्म होगा तो हीट में, वाटर गर्म होगा तो हमारा स्टीम में डेवलप होगा, और वह स्टीम टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा, एंड देन आफ्टर हमारा यह कपलिंग के द्वारा, यह शाफ्ट के द्वारा, यह हमारा शाफ्ट है, यह शाफ्ट के द्वारा अल्टरनेटर रोटेट करेगा, एंड देन आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा, ठीक है? सेम है ओशियन टाइड्स एंड वेव। तो यह ओशियन टाइड्स एंड वेव या वाटर, इसमें वाटर को गर्म वगैरह नहीं करते, ओशियन टाइड्स एंड वेव कहने का मतलब हो जाएगा समुद्री लहर, ठीक है? समुद्री लहर का यूटिलाइज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, वहां पर भी टर्बाइन अल्टरनेटर कॉम्बिनेशंस होगा, और इसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो इतने तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारे एग्जामिनेशंस में, सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस में आता है, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो यहां से हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट, जिसमें कि हमें जानना है पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम लोग बारी बारी से सबका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि सन के द्वारा कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हाउ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सन लाइट। नेक्स्ट है विंड के द्वारा हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का एडवांस, मतलब बृहत रूप, इसका हम लोग पूरा का पूरा लेआउट सोलर सिस्टम में देखेंगे। विंड के द्वारा हम लोग विंड पावर प्लांट में देखेंगे। वाटर के द्वारा हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में देखेंगे। फ्यूल्स के द्वारा, जैसे कि सॉलिड में अगर कोल लेते हैं तो थर्मल, डीजल और गैसेस पावर प्लांट में देखेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कहां करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और ओशियन टाइड्स एंड वेव का यूज हम लोग भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल पावर प्लांट। और भी बहुत तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग ले सकते हैं, जियोथर्मल हो गया, बायोमास हो गया, ठीक है? लेकिन मुख्यतः हमारा इतने तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अब हम लोग सन के बारे में जानेंगे। क्लियर है? तो सन के बारे में समझ लो कि क्या है। बचपन में हमारे घर में किन्हीं का चश्मा रहता था, ध्यान से सुनना, चश्मा रहता था। अब वो चश्मा को लेकर, अगर ऐसा किए हो गए, चश्मा को लेकर धूपा में ले जाते थे, और वो धूपा के रे को किसी कागज पर उस चश्मा के माध्यम से स्ट्राइक कराते थे, ठीक है? तो जैसे ही उस चश्मा के, सपोज डेट एक चश्मा है, चश्मा में जो भी लेंस है, इसको हम किसी सर्टेन पॉइंट पर स्ट्राइक कराएं कागज पे, मतलब कि वैसा मटेरियल जो कि ज्वलनशील हो, अब ऐसा नहीं कि उसको एकदम गीला कपड़ा पे या गीला वुड पे स्ट्राइक करवाएं तो उससे वहां कंबसन प्रोसेस नहीं होगा। तो इसको यहां पर स्ट्राइक कराते थे, तो इस पॉइंट पर क्या जनरेट होता था बाबू, हीट, हीट जनरेट होता था और हमारा कागज जलने लगता, ठीक है? दैट मींस कि सन एक बृहत सोर्स ऑफ एनर्जी है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर है, और वो भी कैसा है, फ्री में मिलता है। कभी सुना है कि सन धूपा में हम लोग को जाने के लिए, धूप, सन लाइट लेने के लिए, या अगर हम धूप में खड़े हैं, ठंड के मौसम में धूप में जा रहे हैं, धूप में बैठे हुए हैं, तो हमको धूप, उस धूप का पैसा देना पड़ रहा है? नहीं। इसलिए सन एनर्जी का यूज भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में करते हैं। यह प्रोसेस से यहाँ हीट डेवलप हुआ बाबू, यह हीट का यूटिलाइज हम लोग क्या करेंगे, वाटर को गर्म करने में करेंगे, एंड देन वाटर गर्म होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, स्टीम में, एंड देन यह स्टीम हमारा किसको चलाएगा, टर्बाइन को, और फिर अल्टरनेटर घूमेगा और आउटपुट पे हमें भुकभुकवा लाइट जलेगा, ठीक है?
तो यह प्रोसेस है। अब हम लोग इसका एक ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कि सन लाइट की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? सबका एक ब्लॉक डायग्राम देखते जाएंगे जिससे कि बहुत सारी बातें हमारे माइंड में आ जाएगी कि कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उस इनर्जी सोर्सेस के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे सन के बारे में। अब हम लोग सन एनर्जी के बारे में देखेंगे, ठीक है? तो आप थ्योरी बोर्ड पर से भी लिख सकते हो या जितना भी थ्योरी रहेगा यूनिट फर्स्ट का उसको हम पीडीएफ बनाकर ग्रुप में भी जाएगा और ऐप में भी रहेगा, ठीक है? तो थ्योरी के लिए चिंता नहीं करिए, समझने पे जोर दीजिए। क्लियर है? तो हम लोग क्या देखे थे अभी जस्ट, क्या सुने कि सन के एनर्जी को एक रिफ्लेक्टर या एक लेंस के द्वारा एक सर्टेन पॉइंट पर कंसंट्रेट कराते हैं और उस सर्टेन पॉइंट पर हमारा वाटर रहता है, तो उस सन का एनर्जी कौन ले लिया? पानी ले लिया। तो एनर्जी जैसे ही पानी लिया, पानी क्या होगा? बॉयल होने लगेगा। अब जैसे ही बॉयल होने लगेगा वह पानी किसमें कन्वर्ट होगा? स्टीम में। और वही स्टीम का यूटिलाइज हम लोग क्या करेंगे? टरबाइन को घुमाने में, टरबाइन को रोटेट कराने में। अभी मत कहना कि सर टरबाइन है घूमने लगा, नहीं, टरबाइन का फिंस या पंखी वह घुमा और उसी से कपल्ड हमारा शाफ्ट होता, शाफ्ट, और वह शाफ्ट रोटेट किया एंड देन हमारे आउटपुट पे क्या मिला? इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी। अल्टरनेटर को रोटेट कराकर आउटपुट पे क्या निकाला? इलेक्ट्रिकल पावर निकाला। अब बात आता है कि सर आप बार बार बोल रहे हैं कि टरबाइन को रोटेट कराया, रोटेट कराकर हम अल्टरनेटर को घुमा, ठीक है? तो टरबाइन को रोटेट कराने से हमें क्या बेनिफिट हो रहा, ठीक है? तो देखो, जब कभी भी स्टीम है तो स्टीम प्रेशर कुकर तो प्रेशर कुकर में सीटी जब लगता है तो वह स्टीम के प्रेशर से लगता है, ठीक है? उसी तरह से स्टीम जैसे ही टरबाइन पे स्ट्राइक कराएंगे तो हमारा टरबाइन का पंखी क्या होगा? रोटेट करने लगेगा। एक नया टर्म है शाफ्ट। तो शाफ्ट का बेसिक मीनिंग समझो, शाफ्ट क्या है? एकदम आम बोलचाल की भाषा में, शुद्ध विलेज लैंग्वेज में, या कह सकते हो शुद्ध बिहारी लैंग्वेज में, शुद्ध देहाती लैंग्वेज में, आटा चक्की मिल में गए। अब आटा चक्की मिल में या तो डीजल इंजन चलते रहता है या मोटर चलता है, ठीक है? तो गेहूं हम बाबू मोटर पे डालते हैं और गेहूं पिसा जाता है, नहीं ना? मोटर घूम रहा है और गेहूं डालने वाला थोड़ा आगे रहता है, हुपर टाइप का, और वो भी घूमते रहता है। तो मोटर के द्वारा वो क्या हो रहा है? गेहूं का जो मशीन है उसका शाफ्ट वो दोनों जुड़ा हुआ है। कोची से जुड़ा रहता है या तो फीता से जुड़ा रहता है, फीता, या तो बेल्ट, नहीं तो चेन, नहीं तो एक बड़ा सा रॉड के द्वारा जुड़ा रहता है। इसी को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है? चेन के द्वारा भी जुड़ा रह सकता है, एक फीता समझते हो? फीता, अरे पजामा का जो फीता कहते हैं ना, वो फीता, उसी को एडवांस लैंग्वेज में हम लोग वो बेल्ट यूज करते हैं, ठीक है? फीता हो गया, चेन हो गया, रोप हो गया, पुल्ली हो गया, ये सबसे जुड़ा रहता है। वही हमारा क्या करता है? वह मैकेनिकल पावर को, वह मतलब कि रोटेशनल पावर को वहां भेजा और उसके द्वारा हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चा? प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है? यहाँ पर आपका कहीं साइड में, जब यह लेक्चर हम दे रहे हैं, कहीं साइड में आप देखना सन के द्वारा कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसका हमारा फोटो दिखते रहेगा, क्योंकि फोटोया दिखेगा ना तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। फोटो और एनिमेशन, वह स्टार्टिंग और एंडिंग में एनिमेशन भी रहेगा और बीच बीच में फोटो भी रहेगा। क्लियर है? अब देखो इसका थ्योरी पढ़ देते हैं कि क्या क्या थ्योरी है। तो ध्यान दीजिएगा, द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सन हमारा क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्राइमरी मतलब कि सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या काउंट होगा? सन। क्लियर है? अब क्या किया जाता है, यह सन एनर्जी है तो सन एनर्जी में बच्चा क्या होगा? हीट डेवलप्ड होगा, गर्मी होगा ना जी। जैसे कि देखो, गर्मी के सीजन में तुमको कोट पहना के और एकदम कम्बल उमर ओढ़ा के और धूपा में खड़ा कर दिया जाए,
या छत्ता पे बैठा दिया जाए, रह जाओगे नहीं ना। मतलब कि वह एनर्जी हमारे बॉडी पे जैसे ही आएगा तो बॉडी उस एनर्जी को किसमें, हीट में डेवलप करने लगता है, जिससे हमारे शरीर में स्वेटिंग वगैरह या एबनॉर्मल बिहेवियर आने लगता है। सेम कंडीशन है, तो जो हीट एनर्जी डेवलप हुआ या किस प्रोसेस से डेवलप हुआ, सन के लाइट को जला रहे हैं नहीं ना, रेडिएशन के द्वारा। क्या पॉइंट है बाबू, रेडिएटेड रेडिएशन के द्वारा, बाय सन। किसके द्वारा रेडिएट हो रहा है, सन के द्वारा। कैन बी फोकस्ड ओवर ए स्मॉल एरिया, मतलब कि एक स्मॉल एरिया पर उसको फोकस करते हैं, किसकी सहायता से, रिफ्लेक्टर की सहायता से। देखो किसकी सहायता से, रिफ्लेक्टर की सहायता से। अब वही हीट क्या यूज हम लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म करने में करेंगे, ठीक है। तो दिस हीट कैन बी यूज टू रेज स्टीम एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड। पहले तो पानी गर्म कर स्टीम में कन्वर्ट किए, और वह स्टीम के द्वारा हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस्ड किए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किए तो वह स्टीम से प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन वह स्टीम जा रहा है कहां, टरबाइन पे, और टरबाइन घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, और तब रोटेट, वह रोटेट किया, उसका साफ रोटेट किया, और फिर वो किसको रोटेट करा दे, अल्टरनेटर को। मतलब कि उस हीट का हम लोग यूज कर पानी को गर्म कर स्टीम में बदलकर टरबाइन चलाकर जनरेटर चलाकर और आउटपुट पे क्या कर रहे हैं बाबू, भुकभुकवा लाइट जला रहा है, ठीक है। तो यह प्रोसेस, यह अगर सन का एनर्जी का यूज किया जाता है, इसी को हम लोग यह जहां यूज किया जाएगा एक सिस्टमेटिक वे में जहां स्टडी करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर पावर प्लांट। आपके सिलेबस में है सोलर पावर प्लांट, जिसमें कि सन एनर्जी का ही यूज किया जाए। फंडा क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इट रिक्वायर्ड लार्ज एरिया फॉर द जनरेशन ऑफ इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सबसे बड़ा डिमेरिट यही है बाबू, क्योंकि सन एनर्जी को अगर रिफ्लेक्टर के द्वारा एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कराते हैं तो उसके लिए काफी अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टर चाहिए, और वह रिफ्लेक्टर को लगाने के लिए भी हमें काफी अमाउंट ऑफ एरिया चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया चाहिए। तो सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि स्मॉल काम करने के लिए स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होता है इसके द्वारा, लेकिन ह्यूज एरिया का, ह्यूज एरिया टेकन बाय द रिफ्लेक्टर, बहुत रिफ्लेक्टर को लगाने में बहुत ज्यादा एरिया ले लेता है, इसलिए हम लोग इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वह इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम अमाउंट में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सबसे बड़ा डिमेरिट इसका क्या है, यह क्लाउडी डेज मतलब कि समझ रहे हो, ठीक है, बादल वाला या बरसात के मौसम में, और रात के समय इसका यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सनलाइट क्लाउडी डेज में हमारे अर्थ सरफेस पे नहीं आ पाएगा, और रात में तो जान ही रहे हो, ऐसा नहीं है कि सनलाइट नहीं मिल रहा है तो मून लाइट का यूज कर ले, नहीं, ठीक है। किन्हीं के घर में अगर सोलर सेल होगा उससे वह डायरेक्ट कन्वर्सन होता है बाबू लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी में, तो वह रात के समय या क्लाउडी डेज में बैटरी को चार्ज नहीं करता है, ठीक है। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देख लो, ठीक है, देखो जिसको लिखना है बोर्ड पर से लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, क्या है ब्लॉक डायग्राम। आपके एग्जाम में थ्योरी के साथ साथ अगर ब्लॉक डायग्राम भी बना देते हो तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है एग्जामिनर पे कि नहीं बच्चा ब्लॉक डायग्राम बनाया है। ब्लॉक डायग्राम बनाना मतलब कि आप चीजों को समझ रहे हो अच्छी तरह से। तो पहला क्या है बाबू, पहला ब्लॉक देखो ध्यान से, एक ब्लॉक एक बक्सा बना दिया, अब एक और बक्सा बनाए, देखो कितना बक्सा बनता है। ब्लॉक डायग्राम मतलब क्या होता है, बी से ब्लॉक और बी से बक्सा, यहां पर देखो, ठीक है। अब देखो पहला में क्या है, यहां पर क्या होगा बाबू, इनपुट, यहां पर क्या होगा आउटपुट, क्लियर है,
इनपुट आउटपुट। अब यहां पर इनपुट हमारा क्या है, सूर्य भगवान, सन देवता, ये इनपुट पे हमारा कौन है, सन देवता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेंगे, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा बाबू, सन, सन लाइट, क्लियर है। अब ये सन लाइट को कहाँ ले जा रहे हैं, सन लाइट को ले जा रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, कोची के द्वारा, रिफ्लेक्टर के द्वारा, आर ई एफ ई, रिफ्लेक्टर, आर ई, आर ई एफ एल ई, आर ई एफ एल ई सी टी ओ आर, रिफ्लेक्टर के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्टर के द्वारा एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करा रहे हैं। उस पॉइंट पर क्या रहेगा रे बचवा, वाटर रहेगा। तो यह रिफ्लेक्टर के इनर्जी के द्वारा वाटर अब धीरे धीरे क्या होगा, गर्म, गर्म होते 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 ई कोची में बदल जाएगा रे छोटू, वेपर में, क्लियर है। अब यह वेपर में बदलेगा तो ये वेपर को एक पाइप के द्वारा कहां ले जाएंगे, टरबाइन पर, ठीक है। और टरबाइन से कपल्ड हमारा कौन रहेगा, अल्टरनेटर। तो जैसे ही टरबाइन घूमेगा तो अल्टरनेटर घूमा और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, भुकभुकवा लाइट जलेगा, जलेगा ना। तो यह एक बेसिक प्रोसेस है, ठीक है। सनलाइट को फोकस्ड करेंगे, फोकस्ड किसके सहायता से करेंगे, रिफ्लेक्टर की सहायता से करेंगे। रिफ्लेक्टर की सहायता से जैसे ही फोकस्ड किए एक पॉइंट पर, हमेशा बोल रहे हैं एक पॉइंट पर, वाटर गर्म होगा, वाटर गर्म होगा, वेपर में बदलेगा, वेपर में बदला, टरबाइन घूमा ई वेपर के स्पीड से, और यह टरबाइन घूमा तो अल्टरनेटर घूमा और आउटपुट पे हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। यह इस तरह का है, लेकिन यहां इस तरह के प्रोसेस से हम लोग क्या जनरेट करते हैं, एसी पावर। लेकिन एक और प्रोसेस है सोलर सेल, सोलर सेल के बारे में पढ़े होंगे, सोलर सेल, ठीक है, जो कि डायरेक्ट सनलाइट को, यह सनलाइट है, यह लाइट है, डायरेक्ट सनलाइट को की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज कर देते हैं। यह हमारा क्या होगा बच्चा, बैटरी, इस बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। तो यह सीधा सीधा लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्शन से सोलर सेल के द्वारा, देयर इज नो एनी पानी गर्म करना, किसी भी तरह से पानी गर्म नहीं करते। लेकिन यहां पर डायरेक्ट कन्वर्शन नहीं ना है, यह हमारा डायरेक्ट कन्वर्शन, क्लियर है। तो यह बैटरी को चार्ज कर लिया और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब कि हम लोग उस बैटरी का यूज किए टीवी देखने में, भुकभुकवा लाइट जलाने में, पंखा चलाने में यूज किए, ठीक है। तो यह दो प्रोसेस के द्वारा सन की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर बनाते हैं, कन्वर्शन करते हैं, क्लियर है। यहां डायरेक्ट कन्वर्शन है, लेकिन यहां डायरेक्ट कन्वर्शन नहीं है। जैसे देखो, सनलाइट, रिफ्लेक्टर, वाटर, वेपर, टर्बाइन, अल्टरनेटर, यहां क्या है, सीधा लाइट पड़ा सूर्य, यहां पर सूरज भगवान सीधा इस स्ट्राइक किए हैं सोलर सेल पे और सीधा सीधा बैटरी बैटरी डीसी पावर बन गया। तो यहां पर हमारा क्या बनता है, डीसी पावर, यहां पर हमारा क्या बन रहा है स्टूडेंट, एसी पावर, ठीक है, क्लियर है। सोलर थर्मल, the term solar thermal is used to describe a group of technologies that capture the heat energy from the sun and use it for various forms of heating and the production of electricity. For heating, solar thermal systems are referred to as passive or active. Passive systems are more basic and have no moving parts. They simply rely on design features to enhance our ability to capture and use the sun's rays, like a greenhouse or a solar oven. Active systems have mechanical components like fans or pumps to circulate heat-carrying fluids. These systems can be used for residential or commercial heating.
For electricity production, high-temperature solar thermal systems called concentrated solar power, or CSP, use groups of mirrors to concentrate solar energy on a central collector. This produces temperatures high enough to generate steam, which then turns a turbine, driving a generator to produce electricity. CSPs are primarily found in desert locations where space and sunlight are abundant. One advantage of solar thermal energy production is that it is a clean and renewable energy source that uses a free form of fuel, the sun. Most solar thermal systems are also low maintenance because they use simple technologies and, in the case of passive systems, have no moving parts. However, the nature of sunlight can cause problems for the use of solar thermal systems. Sunshine is not a very concentrated energy source, so it can take a large area to make a reasonable amount of energy, evoking efficiency and, in some cases, land use concerns. Sunshine is also intermittent, and its availability is dependent on location and time. CSP has additional advantages and disadvantages. The technology's ability to produce large-scale generation is an advantage for regions that utilize centralized electricity distribution systems. In the past, this was an advantage over solar PV systems. However, innovations in PV technology are challenging this notion. A key disadvantage to CSP is that installations are normally located in remote desert areas. Given that steam turbines are required to produce electricity, water access and evaporation are concerns for the viability of the technology. In addition, transmission of electricity over long distances is expensive and can lead to distribution losses. Finally, practical challenges such as upfront capital costs and awareness can also be barriers to implementation of all forms of solar thermal technologies. That's solar thermal.